నితీష్ లాలూ బంధానికి బీటలు వారాయి. లాలూ అనుకో కారణంగా సీఎం నితీష్ తన పదవికి రాజీనామా చేశానన్నారు. తమపై ఆరోపణల గురించి నితీష్ కు ముందు తెలియదా అని ప్రశ్నించారు లాలూ. వారిద్దరి మధ్య మాటకు మాట ఇప్పుడు చూద్దాం. जब ये वातावरण बन गया हो तो हमारी क्या भूमिका है, हम क्या कर सकते हैं मदद. इसलिए मुझको कुल मिलाकर ऐसा लगा कि एक सोच का दायरा भी अलग है, न कोई अपना डिस्कोर्स है, न कोई अपना एजेंडा है, सिर्फ रिएक्टिव एजेंडा से कोई काम चलने वाला नहीं है. उसके लिए कुछ बात होनी चाहिए थी, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं हुई इतने दिनों तक. हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है और उसके बाद अंततो गत्वा जिस बिहार में काम कर रहे हैं उस बिहार की ऐसी स्थिति हो जाए जहां के जनमत में आज और कोई बात की चर्चा हो ही नहीं रही है. ऐसी परिस्थिति में अगर हम अपनी तरफ से अब तक की जो हमारी सोच है उसके अनुरूप अगर हम अपना स्टैंड नहीं लेंगे तो फिर यह उचित नहीं है. तो हमने अपने अंतरात्मा की आवाज पर पूरी चीज को देखते हुए हमने समझा कि अब मेरे जैसे व्यक्ति के लिए इस सरकार का चलाना संभव नहीं है. इसलिए हमने यह तय किया कि भाई हम किसी के खिलाफ नहीं, कोई विवाद नहीं पैदा करना चाहते. तो हमारा ज्यादा उनको छेड़छाड़ करना नहीं चाहते हैं. आपने इस्तीफा दे दिया, हमको बहुत दुख हुआ. जाने के पहले आपने हमको प्रणाम किया, कहा कि आपका आशीर्वाद बहुत रहा है. हमने मना किया, आज भी फिर मना किया, ये काम मत करो, 5 साल के लिए जनता ने भेजा है गठबंधन के लिए. सांप्रदायिक ताकत हम लोग को समाप्त करना चाहता है. ये क्यों कर रहे हो, बोलेगी हमसे अब नहीं चलेगा. तो नहीं चलेगा तो अभी 20 महीना हुआ, 1/3 बाकी है, 2/3 सरकार चलाने के लिए. नीतीश कुमार से मेरा ये अपील है कि आपके मन में सांप्रदायिक ताकतों के का आशीर्वाद अगर नहीं है तो आप इस्तीफा कर दिए, स्वतंत्र सब मंत्री खत्म हो गया, बाजार ओवर हो गया. तो अब जो है सो आप चलाने के लायक नहीं रहे. आपका इस अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, अपना कुर्ता और साफ करना चाहते हैं. तो सब आरजेडी के एमएलए और समूचे जेडीयू के एमएलए और कांग्रेस के एमएलए बैठ करके नया नेता चुने, नया नेता चुन के